फ्राइडे और हम जा रहे हैं थोड़ा सा काम से वैदेही के साथ। ये मेरी छोटी बेटी है, इसके साथ हम लोग थोड़ा सा काम से जा रहे हैं। देखते हैं आगे आज क्या होता है। अगर वहाँ मुझे टाइम लगा, मौका लगा तो मैं वीडियो बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, और चलिए चलते हैं। तो खैर धूप निकल आई है 10 बजे के टाइम, और सुबह तो ऐसा लग रहा था मौसम खुलेगा ही नहीं, बहुत बारिश हो रही थी सुबह और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन इस तरह अच्छी खासी धूप निकल आई है और मैंने पहन रखा है रेड कुर्ता, ब्लैक लेगी और जैकेट। पता भी नहीं था कि इतनी मतलब धूप निकल रही है। ऑफिस गई है और मैं ही आज कॉलेज नहीं गई है, मैं भी आज घर पर ही थी, तो उसको थोड़ा सा काम था तो हमने कहा चले चलते हैं, अभी जल्दी से निपटा जाते हैं क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है और दोपहर तक क्या होता है क्या नहीं होता है। और वैदेही जा रही है खाना खाने, तो मैं उसके लिए बना के लाई हूँ ये मटर की वो जो छौंकते हैं ना मटर, और पराठा और साथ में चाय है। तो वो अब करेगी अपना ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही चीज़ एक साथ करेगी। और आज उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि हम लोगों को जाना था काम से। और चलिए और वैदेही अब करने जा रही है लंच। और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, बारिश धूप उससे मुझे लग रहा है मेरे सर में ठंड लग गई है बहुत ज़्यादा, मुझे सर में दर्द हो रहा है। और देखिए मैं वीडियो शायद शूट कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, करती हूँ तो फिर ठीक होता है तो फिर करती हूँ। शाम के बज गए 4 और मैं बनाने जा रही हूँ चाय क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। थोड़ा सा अब सर का दर्द मेरा थोड़ा सा सही हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द था फिर मैंने दवा ली। मौसम ऐसा हो रखा है ठंडा भी और गर्म भी, तो समझ में नहीं आता क्या करूँ। और सर दर्द की बीमारी हर एक को ज़्यादा होती है, आप लोगों में से किस किस को सर दर्द ज़्यादा होता है मौसम की वजह से तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे तो होता रहता है अक्सर, वैसे मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ लेकिन मुझे ये तो होता ही रहता सर दर्द। तो चलिए चाय बनाते हैं। आप सोचोगे कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, मुझे कूटने से बहुत एलर्जी है, धमधम की आवाज़ से बहुत ज़्यादा मुझे सर में दर्द होने लगता है। तो मैं ऐसे ही कद्दूकस करके और अदरक डाल दी हूँ और मुझे अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। अदरक वाली चाय का चाय पीने की बात ही अलग होती है, आप लोग भी पीते होगे ना अदरक वाली चाय। बहुत से लोगों को इलायची की चाय अच्छी लगती है लेकिन मुझे अदरक वाली ही चाय पसंद है। में पीना बहुत पसंद है क्योंकि एक तो उसमें जल्दी ठंडी नहीं होती है, दूसरी बात आराम से सिप सिप करके खूब आराम से पियो। आप लोग भी सोच रहे होगे कि ये बात कौन सी बताने वाली होती है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे हर बात शेयर करूं। हम यहाँ पे किराए पे रहते हैं, हमारा अपना मकान कंप्लीट हो रहा है अभी, उसमें काम चल रहा है। मैं वो उसका भी आपको टूर कराऊंगी, अपने हाउस नए हाउस का भी टूर कराऊंगी। और हम लोग होली के बाद वहाँ पे गृह प्रवेश करेंगे नवदुर्गे में, तब तक तो किराए पे ही मैनेज करना है। मैं वैसे कीटो डाइट कर रही थी, उसमें मैं बिल्कुल शुगर नहीं ले रही थी क्योंकि मेरा वेट काफी बढ़ रखा था और मैं बिल्कुल भी शुगर और
कार्ब्स वगैरह कुछ नहीं ले रही थी, लेकिन मैंने इधर 1 वीक से मुझे बहुत वीकनेस लगने लगी, तो मैंने उसको 1 हफ्ते के लिए छोड़ रखा है। वैसे मैं कीटो डाइट करती हूँ और मुझे चाय बहुत कम शक्कर की पसंद है। अगर शक्कर नहीं भी होती है तो मुझे चाय अच्छी लगती है, मैं पी लेती हूँ। सुबह के टाइम में नींबू पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी थायराइड की दवा खाती हूँ, उसके 45 मिनट बाद ही मैं चाय पीती हूँ। और आजकल डाइटिंग पे थी, कीटो डाइट पे, तो मैं कोकोनट ऑयल की ब्लैक टी पीती हूँ। कितने लोग पीते हो प्लीज मुझे बताना, और कितने लोग डाइटिंग करते हैं और डाइटिंग से कितना क्या क्या बेनिफिट है ये भी बताना। चलो अब बन रही है चाय, तो चाय एंजॉय करते हैं।